क्या है ये नए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का यूएस गाइडलाइन 2020? क्या लिखा है इस नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ड्राफ्ट में? इसमें इतना सारा शेड्यूल्स किस लिए है? इफ यू आर सर्चिंग फॉर सच आंसर्स देन लेट मी टेल यू, यू आर ऑन द राइट वीडियो। वेलकम टू ड्रोन हेल्पलाइन। DGCA अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज मॉडिफाइड एंड हैज फाइनली पब्लिश्ड द अनमैंड एरियल सिस्टम ड्राफ्ट रूल्स 2020 ऑन जून 2nd एंड हैज केप्ट इट ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग एंड कमेंट्स टिल 6th ऑफ जुलाई। और ये इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा वेयर DGCA हैज प्रपोज्ड टू इंप्लीमेंट दिस रूल एज द इंडियन ड्रोन लॉ। क्या आपको पता है कि इस ड्रोन लॉ के लिए DGCA को कितना मेहनत करना पड़ा? इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम October 7, 2014, जब DGCA ने पहली बार रेस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन डाल दिया था ड्रोन यूसेज को लेकर, फ्रॉम मेकिंग द ड्रोन लॉ मोर प्रिसाइज एंड अप्रोप्रिएट फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। द ड्राफ्ट ऑफ सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड ऑन November 22, 2017 बाई द प्रीवियस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन मिस्टर जयंत सिन्हा, वेयर द गवर्नमेंट अनाउंस रेगुलेशंस फॉर RPAs। Further, they launched the Digital Sky platform on 1st of December 2018 as the Drone Regulation 1.0, where they introduced the NPNT concept. उसके बाद उन्होंने और इसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए they launched the OAN and the DAN concept on January 13, 2020, where they proposed that every authorized drone owner should get themselves registered along with their drones. They also introduced the draft note for drone policy 2.0, focusing majorly on beyond visual line of sight BVLOS operations, where they have recently given the permission to several consortiums to carry out the BVLOS experiment. और जितने सारे रेगुलेशंस और ड्राफ्ट DGCA ने पब्लिश किए थे उन सब को मिलाकर फाइनली DGCA हैज अपडेटेड अ होल न्यू ड्राफ्ट ऑन यूएस गाइडलाइन ऑन June 2, 2020 व्हिच दे विल बी इंप्लीमेंटिंग फाइनली एज द फर्स्ट ड्रोन लॉ इन द ड्रोन इंडस्ट्री ऑफिशियली। इस ड्राफ्ट में DGCA ने बहुत खूबसूरत तरीके से सारे ड्रोन डिपार्टमेंट्स जैसे कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, ओनर, ऑपरेटर और इनफैक्ट ड्रोन पायलट स्कूल्स के लिए भी अलग अलग शेड्यूल्स का सेग्रीगेशन बना दिया है। और उस शेड्यूल में उन्होंने डिटेल वे में बताया है कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना होगा। आई विल बी गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया ऑन व्हाट इज मेंशन इन दिस ड्राफ्ट। Remotely piloted aircraft have been divided into 5 categories: nano, which is less than or equal to 250 grams, micro, which is from 250 grams to 2 kgs, small, which is from 2 kgs to 25 kgs, medium, which is from 25 kgs to 150 kg, large, which is greater than 150 kg. The airspace has been partitioned into red zone, where flying is not permitted, yellow zone, which is controlled airspace, and green zone, automatic permission, and the restricted locations are airports near international border, near coastline, state secretariat, complexes, strategic locations, military installations. They even mention that except nano drones and those owned by national technical research organizations and the central agencies, the rest would be registered and issued an unique identification number. पहली बार DGCA ने इंश्योरेंस के बारे में जिक्र किया है और उन्होंने बोला है कि कोई भी ड्रोन विल नॉट ऑपरेट इन इंडिया अनलेस उसके पास एक वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना हो तो, सो दैट इट कैन कवर द लायबिलिटी दैट मे अराइज ऑन अकाउंट ऑफ मिसहैप इन्वॉल्विंग सच ड्रोन्स। आफ्टर लॉन्चिंग द न्यू ड्राफ्ट रूल दे हैव केप्ट इट ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज, मेनली फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन एंड गैदरिंग कॉमेंट्स। आप अपने कमेंट्स और जो भी आपका व्यूज है आप hbiswas.dgca@nic.in पे लिख सकते हो टिल 3rd of July, या आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, ताकि हम सारी कमेंट्स को एक साथ करके DGCA तक पहुंचा सके। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू ड्राफ्ट के बारे में बता दिया है। काइंडली जाइए और ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़िए, उसका हर एक शेड्यूल पढ़िए। For more details on these schedules, we will be coming up with our next video where we will be explaining every schedule one by one, making your world easier. Drone Helpline एक philanthropic initiative है and our main aim is to help the entire drone community grow more responsible towards latest rules and regulations laid down by Directorate General of Civil Aviation DGCA under Ministry of Civil Aviation and make the sky safer for everyone to fly. So do like and share our videos and subscribe our channel.